वेलकम वेलकम दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज आपके साथ। नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और हम आपके लिए नवंबर की सरगर्मियां लेकर आ रहे हैं। वैंकूवर की सरगर्मियां एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं और उसमें ब्रंच गपशप भी होता है। हर महीने की पहले हफ्ते में ब्रंच गपशप का एक प्रोग्राम होता है या इस अरसे में जो भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सियासी समाजी सकाफती फंक्शन जो होते हैं, हम उनकी आपको तफसील बताते हैं। और नवंबर में ब्रंच गपशप के बाद एक और फंक्शन होने को जा रहा है, शाम मौसीकी के नाम से कनाडा उर्दू एसोसिएशन एक फंक्शन करती है, उसमें लोकल फ़नकारों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनके फ़न को उजागर किया जाता है। बहुत अच्छा टैलेंट है नाज़रीन। हम आपको नवंबर के महीने में ये भी एक सेगमेंट दिखाएंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं। कहीं कोई लकी ड्रा हो रहा है, कहीं इससे पहले अक्टूबर में यहाँ पे आपको वो भी क्या कहते हैं सिविक इलेक्शन का बड़ा ज़ोर शोर था और बहुत सारे एथनिक कम्युनिटीज़ के काउंसलर इलेक्ट हुए हैं, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी के काउंसलर भी इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने बड़ी हिम्मत और जानफशानी से काम किया और अपने आप को इलेक्ट करवाया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम आपको थोड़ी सी ना वैंकूवर की सरगर्मियों के साथ एक और हमने सेगमेंट शुरू किया है, उसका नाम हमने रखा है गानों की दुनिया। और गानों की दुनिया वो ये है कि हम आपको पाकिस्तानी सिंगर्स के नए गाने, पुराने गाने, जो भी गाना पॉपुलर हो हम आपको दिखाएं। और कुछ सेगमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं जो व्हाट्सएप वैंकूवर में हम आपको दिखाएंगे, उसका भी एक सेगमेंट हमने रखा है। तो आइए हम आपको अपने प्रोग्राम में लिए चलते हैं। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, गाहे बगाए हम आपको पाकिस्तान से भी सेगमेंट दिखाते रहेंगे। हुमा मीर इस वक्त पाकिस्तान में हैं, डॉक्टर हुमा मीर जो हमारी को होस्ट हैं, वो पाकिस्तान से जैसे ही होगा उन्हें कुछ अच्छे सेगमेंट में वो हिस्सा ले रही हैं, हम उनको भी मधु करेंगे। वो हमें वहाँ से रिपोर्टिंग करेंगी अपने प्रोग्राम की, अपनी सरगर्मियों की, कराची की सरगर्मियाँ या पाकिस्तान की सरगर्मियाँ ओवरऑल, और इसी तरह वैंकूवर की सरगर्मियों के साथ उसे हम मर्ज करेंगे। तो आइए हम गानों की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। आइए महसूस होइए, गाने देखिए और उसके बाद एक ड्रा भी होने को जा रहा है। हम आपको ड्रा की तफासील दिखाएँगे, लाइव भी दिखाएँगे कि यहाँ पर कुछ बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ टिकट भी रखे हैं, तो हम उसका हाल भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए वैंकूवर की जान इंतखाब अहमद और दिल अपना पाकिस्तान की टीम के साथ। PM, Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Main Lahore sheher da rana, mainu loki kehn ne aana, par main hega bada siyana, lo ji sutta je main gaana rana. O rana heart attack nal mar jao, gulle wal na chhadya kar. राणा हार्ट अटैक नल मर जाओ, खुले वाल न छड़िया कर। राणा हार्ट अटैक नल मर जाओ, खुले वाल न छड़िया कर। दिल मेरा डुब डुब जावे, दिल मेरा डुब डुब जावे, रब दा खौफ
अरे में हलाल मीट के लिए कॉस्लो हलाल मीट से रब्ता कायम कीजिए, यूनिट 109-130-3076 एवेन्यू पर रब्ता कायम कीजिए, 778-816-1000 7788161000 हलाल मीट के लिए एक ही नाम कॉस्लो हलाल मीट। रियल स्टेट की दुनिया में एक ही नाम सनी रियल्टर, सटन वेस्ट कोस्ट रियलिटी के सनी रियल्टर से रब्ता कायम कीजिए 7787582000 पर रब्ता कायम कीजिए। सनी रियल्टर आपकी जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए 7788255 Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Vancouver ki jaan Dil Apna Pakistan Thank you.
participated in this event. We thank for your business, cooperation, and patronization. Okay, before I call upon my chief guest, which is the prominent member of our community, I would like to say thanks to all my participants in this campaign. And it was really a good pleasure for me to put the business for yourself. And after that, I want to invite Mr. Farooq Rai to come and just draw the name of the person. Ladies and gentlemen, please welcome, put your hand together for the prominent member of our community, Mr. Farooq Rai. Spend days, hours on describing this man here, this gentleman. But I can talk to you a little bit about who this distinguished gentleman is. He is a long time, I want to say pioneer, because he truly is a pioneer in many, many different fields. Not just simply because he was an arrival to this country, but because he excelled at everything he did and he achieved at a very high level, especially across the public service, especially across the public service here in British Columbia. He arrived in 1964, and by 1966 he was working with the public service of British Columbia. Okay, this man has served at very high levels, was seconded to the federal government during the Commonwealth meeting of Boris Yeltsin, at the time President Boris Yeltsin and President Clinton, and actually was a part of the detail and the tour and advance team for that historic meeting. And he was sharing some of his notes during that time of how it was by the minute detail about what needs to be done and how they were supposed to execute on that historic meeting. And it was gave me, as someone that loves politics, I was listening like a little baby and trying to absorb everything, because I know he has a lot of knowledge. He has served. He was the impetus for the creation of the multiculturalism ministry here in British Columbia. Soon after, it was the Ministry of Multiculturalism and Immigration. He served as the deputy minister at the highest level of the public service.